ये टेंसेस पार्ट एट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की बात करनी है, दोनों में कंपेयर करके बता रहे हैं। पॉजिटिव इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 7 बता चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसका पहचान तो यही है कि रहा है, रही है, रही है, किसी रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में यही होगा, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है। लेकिन इसमें निगेटिव है तो नॉट लगा होगा, जैसे वो नहीं खेल रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, सब में नहीं लगा होगा। अब इसमें क्या है इंट्रोगेटिव में कि इसमें क्या से शुरू होगा, क्या से, क्या वो दौड़ रहा है, क्या वो खा, क्या वो खेल रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या से शुरू होगा। लेकिन इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, ये भी याद रखनी है। इस क्या की इंग्लिश इज एम आर में से कुछ होगी, वो भी बताते हैं। अब वो नहीं दौड़ रहा है, हम पहचान के है तो प्रेजेंट टेंस है, रहा से पहचाने की कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब उसका रूल यही लगाना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इस या एम या आर, तीनों में से एक चीज़ आएगी। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि इस कब लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, तो इस लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा, ठीक है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इस लगता है, ये बता चुके हैं। तो वो नहीं दौड़ रहा है, तो यहाँ पर वो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो की इंग्लिश होता है ही। अब ही के साथ क्या लगेगा इन तीनों में से, इज, ही इज, अब नहीं लगाए ना, तो ही इज़ नॉट, दौड़ने को कहते हैं रनिंग, ठीक। अब अगर ये सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में तो क्या वो दौड़ रहा है, इसकी इंग्लिश, अब पहले वो की इंग्लिश हमने लिख ली ही, ही के साथ इज लगता है ना, सबसे पहले इज एम आर में से आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, रूल दिख रहा है सामने, फिर अब क्या आएंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने ही वो की इंग्लिश लिख ली, फिर उसके बाद क्या आएगा, ही के साथ इज लगता है, तो इज लिख दिया पहले, इज ही दौड़ने का कहते हैं रनिंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो ये दोनों में कंपैरिजन था। अब एक सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का, जैसे मेरी माँ खाना नहीं पका रही है, तो माय मदर यानी कि मेरी माँ को सब, ये सब्जेक्ट हो गया, माय मदर जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है ना, माय मदर, अब ये माय मदर सिंगुलर है ना, तो इज लगेगा, माय मदर इज नहीं पका रही है, तो नॉट, क्या नहीं पका रही, खाना नहीं पका रही है, पकाने को कहते हैं कुकिंग, तो माय मदर इज नॉट कुकिंग, क्या, खाना यानी कि फूड, ठीक। अब क्या मेरी माँ खाना पका रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज, क्या की इंग्लिश क्या होगी, इज, मेरी माँ को कहेंगे माई, इज माई मदर कुकिंग फूड, क्योंकि रूल क्या था, सबसे पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने इज एम आर में से इज लगाएंगे, क्योंकि माई मदर सिंगलर है, इसके साथ इज लगेगा, इज माई मदर वर्ब क्या है, कुकिंग फूड, ये दोनों में कंपेरिजन हो गया। अब मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा मैं पत्र लिख रहा हूँ तो होता, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो ये समझ गया निगेटिव सेंटेंस है। और मैं की इंग्लिश होती है आई, और इज एम आर में से एक चीज़ लगानी है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम नहीं है तो नॉट, तो इसके बाद वर्ब क्या है, लिखना, लिखना कहते हैं राइट, और आई एन जी लगेगा राइटिंग, क्योंकि रहा रही, जब भी रहा हो, लगा हो, कभी भी रहा लगा हो किसी भी सेंटेंस में, है ना, रहा रही कुछ भी, तो हमेशा याद रखिएगा कि आई एन जी ज़रूर आएगा टेंसेज बनाते टाइम, ठीक है। तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, अब क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा एम आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई के साथ एम लगता है तो एम आई, क्योंकि शुरुआत जो इज एम आर से होगी, ठीक है, तो एम आई राइटिंग अ लेटर। तो ये पूरा हमारा टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख रहा होगा, ये कंपेरिजन था, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे पार्ट पीछे बता चुके हैं, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया।